नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। मकर संक्रांति पर्व पर कोरोना महामारी को नजरअंदाज कर हजारों की संख्या में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने मऊ रानीपुर के ग्राम गुड़ा के पास तपोभूमि झारखंड धाम पहुंचकर दस ऋण मोचनी पावन धसान नदी में स्नान कर बीच धार में पिंडी रूप विराजमान महर्षि विश्वामित्र के दर्शन किए तथा तिल चावल आदि से हवन कर पूजन अर्चन किया। मौसम साफ होने से पिछले वर्ष की अपेक्षा आज मकर संक्रांति स्नान करने वाले भक्तों की संख्या काफी अधिक रही। स्नान करने के बाद भक्तों ने मुख्य मंदिर में विराजमान राधा कृष्ण भगवान के दर्शन किए तथा महिलाओं ने अपने श्रृंगार के अलावा मेले में सजी दुकानों से घरेलू उपयोग में आने वाले सामानों की जमकर खरीदारी की। मेले में दूर दराज से आए दुकानदारों की बिक्री होने से संतुष्ट नजर आए। मेला में उमड़ी हजारों की भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी मात्र 3 पुलिसकर्मियों के हवाले रही, जो दुकानदारों से लेकर क्षेत्रीय लोगों में चर्चा का विषय रही। पिछले वर्षों की तरह प्राचीन मेले में इस वर्ष पुलिस फोर्स भीड़ के मुताबिक न होने के बावजूद थाना लहचुरा की पुलिस चौकी गुड़ा से उपनिरीक्षक अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल हाकिम सिंह व हरीश गौतम को यातायात व्यवस्था से लेकर मेला ग्राउंड व नदी के स्नान घाट तक की जिम्मेदारी संभालने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसकी लोगों ने सराहना की तथा आगामी दिनों तक चलने वाले इस प्राचीन मेले में समाज सेवियों ने उच्चाधिकारियों से पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की है।